सो फाइनली नेपाल आके इस लड़की से मिल ही लिया, मेरा मन बटा है, चलो पूछा मेरे साथ इंडिया। इसको कुछ पता नहीं है, हम ही गाइड कर रहे रे। पूजा आई लव यू। ये है नेपाल का फोर्थ एपिसोड, आप सभी का स्वागत है। आज हमको क्या करना पता है गाइस, नेपाल किस लिए आए थे? पूजा से मिलने के लिए। और यहाँ पे ना पूजा कॉल कर रहे थे, पहले ना पूजा से बात कर लेता हूँ, ठीक है? पूजा ने कॉल किया। हेलो, होटल में छु? ओके, तिम्रो लोकेशन सेन्ड गर न मलाई, म आउँदैछु। एक थोड़ा सा सीरियस टॉक कर लेता हूँ आप सभी से, ठीक है? लाइक नेपाल में जो भी टूरिस्ट वगैरह आते हैं ना, थमेल को छोड़कर सारा जगह एकदम परफेक्ट है आई थिंक, मेरे को जहां तक लगा। पर ये नेपाल में ना काठमांडू के अंदर जो ये थमेल है ना गाइस, यहाँ पे टूरिस्ट लोग जो भी आते हैं ना, एकदम केयरफुली के साथ आना, बिकॉज कभी भी आपका चूतिया कट सकता है। मतलब ये कंफर्म है भाई? कंफर्म है। हाँ, क्योंकि हमने ऐसे ऐसे कल देखे जो कि हम कैमरे पे नहीं ला सकते, तो बस हमने एक्सपीरियंस किए, उसी के माध्यम पर हम आपको मतलब बता रहे कि अलर्ट रहे, सुरक्षित रहे, ठीक है? और मैं आपको बता दूं गाइस, सुबह से लेकर ना अभी तक हम लोग ने खाना भी नहीं खाया, आप टाइम देख सकते हो 2 बज गए, ठीक है? बिकॉज हम लोग ना कल का वीडियो ही एडिट कर रहे थे जो कि कंप्लीट नहीं हुआ, आज भी शायद वीडियो आने में थोड़ा सा लेट होगा, प्लीज अंडरस्टैंड कर लेना, ट्रेवल है भाई, करना पड़ेगा। पानी भी नहीं पिया, चाय भी नहीं पिया, ब्रेकफास्ट भी नहीं किया, भूख नहीं लग रहा है, अंदर बड़ी चुट्टी ना आटी जाएगा, मूसा मर गया है अंदर का। पूजा का गिफ्ट ये रहा भाई, फाइनली बहुत ही खुश लग रहा है कि मैं पूजा से मिलने जा रहा हूँ। तो हम दोनों रेडी है पूजा से मिलने के लिए, चले भैया आज लेकर ही जाएंगे उसको इंडिया। एक्चुअली बता दूं, थमेल बहुत ही अच्छा जगह है, बट यहाँ से ना एक दो लोगों से बच के रहना। आप लोग समझ गए होंगे किसका बात कर रहा हूँ मैं। आईफोन पे लोकेशन दिखाई नहीं रहा था तो एंड्रॉइड पे लगा दिया, वो ग्रैंड सिटी हॉस्पिटल के सामने शायद। फाइनली काठमांडू आ गए गाइस, काफी अच्छा फील आ रहा है और अपना बेबी भी खुश होगा शायद, क्योंकि इसका फर्स्ट टाइम है नेपाल और मेरा भी। और मैं आपको बता दूं गाइस, हमारे इंडिया में तो डबल हेलमेट नेसेसरी है ना, बट नेपाल में ऐसा नहीं है। आप देख सकते हो कोई भी बाइक चला के ना पीछे बिना हेलमेट में भी आदमी बिठा सकता है, ये रूल थोड़ा सा मेरे को ठीक नहीं लगा भाई। रोड पे अगर चला रहे हो तो सेफ्टी देखना चाहिए ना, दोनों का हेलमेट होना चाहिए। इसमें आपका क्या विचार है आप कमेंट करके बता देना। वस्तु छतो दाजु भाई दीदी बहनी, काठमांडू आईपुगो, अहिले हामी काठमांडू को शहर में गली गली होते घुम्दै छ है, मजा छ, वेदर राम्रो छ, यताको सबै मान्छे पनि सेक्सी छ। नेपाल यस्तो देश हो कि एकदम फ्रीडम क्या, एकदम रमाइलो, स्वतन्त्र देश हो, स्वतन्त्र। लोकेशन तो यहीं के दिया था, खोइ किधर है पूजा? ऊ आगे ऊ बेचारा। सो फाइनली नेपाल आ गए, इस लड़की से मिल ही लिया गाइस। और पूजा कैसी हो, सब बढ़िया? बढ़िया, पहले से और भी खूबसूरत हो रखी हो। हाँ। के रे सुना गए ना, अच्छे से यही बोल रही थी, ये हाँ। सही सारा बता गए, यही दिल में दिल खुशी क्या बोलूं। आप लोग भी खुश हो रहे होंगे कि नेपाल आ गए, फाइनली पूजा से मिल लिया। अब चलो पूजा मेरे साथ इंडिया। हां चलेंगे, चलो अभी चलो। हां जाएंगे, पहले इसका वो अरे इसका ढक्कन ढूंढ रहा, देख रहा है तीन मिले लुगा जाओना के मेरा मा... अरे कसो मला था जाना। यहाँ पे पूजा रहा, पूजा की बहन देख सकते हैं, मोटी सा हाथी सा गेंडी सा, पर जो भी हो बहुत ही खूबसूरत हो तुम। कति भा अंत के दिन वेट कर सकते ना, हामी 500 किलोमिटर तय सफर गरेर तिमीलाई भेट्न आएको, तिमी 1 घन्टा नि यहाँ पर्खिन सकेको। फाइनली वो टाइम आ गया है, पूजा से मिल भी लिया हूँ। पूजा यो तिम्रो लागि, मेरो मन बटा है, यो झुट हैन मन बटा हैन, दिल पनि छ हो, त्यो दिल पनि छ हो। मैंने वो मुट्ठू से निकला हुआ तुम्हारे लिए यहाँ पे साइड में है, घर में जाके उसको देखना, ठीक है? हमारे व्यूअर्स तो देख ही लिए होंगे जब मैं सिलीगुड़ी में, मुझे दिल भी ला के दिया यहाँ मेरा दिल। ये गिफ्ट खाली मेरी तरफ से नहीं है, हमारे सारे रॉक लवर फैमिली की तरफ से, शुक्रिया बोलो उसको। थैंक यू सो मच, बहुत सारा मुझे प्यार देना, बहुत सारा प्यार देना, मेरा प्यार काफी नहीं है? नहीं आप लोग का भी प्यार चाहिए, इसका बस खाली नहीं। अभी मैं आप सभी को सच्चाई बता देता हूँ गाइस, बहुत सारे लोग ना कंफ्यूज है कि पूजा और हम ना गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, एक्चुअली वो कुछ भी नहीं है गाइस। पूजा और हम ना एकदम लाइक एज अ बेस्ट फ्रेंड, गुड फ्रेंड्स कह सकते हैं। हम दोनों दोस्त है, दोस्त में थोड़ा बहुत फ्लॉटिंग, थोड़ा बहुत हंसी मजाक तो चलता ही है। कोई कोई लोग ना क्या समझ के बैठे हो कि
हम सच में नेपाल आए हैं इसको लेने के लिए और हम दोनों शादी करने वाले हैं बहुत जल्दी। ऐसा कुछ भी नहीं है, पूजा मेरी फ्रेंड है और फ्रेंड ही रहेगा। अगर फ्यूचर में कुछ हुआ तो हम आपको बताएंगे, ओके ना? बैठो ना। अरे यार कुछ ट्रैफिक समझ में नहीं आ रहा है गाइस, हर जगह से हर कोई कहाँ से निकल रहा है, चक्कर आ रहा है यहाँ का ट्रैफिक देख के मुझे। ओ गाइस साइड में देख सकते हैं पेड़ कितना सुंदर पर्पल में, ये कौन से पेड़ है? कता जान पाउँदैन भन्छ मलाई ना डर ना देखो है तिमी। अरे यार अलिक घुनी कुरा भन न, के भन्छ भन्छ तिमीले, साइको पारिदिइसक्यो मलाई त। तिमी नेपालको भएर तिमीलाई थाहा छैन, त्यही पनि त हो, सरी। आगे चलो आगे चलो, अभी हम आसान में आ चुके हैं, काफी ज्यादा भीड़ है बिकॉज यहाँ पे आप मार्केटिंग वगैरह कर सकते हो, लाइक होलसेल कपड़ा खरीदना जूता। ये मेरे राइट में टेम्पल देख सकते हो गाइस, काफी अच्छा, और वो नेपाल के फ्लैग देखने से तो दिल खुश हो जाता मेरा। ढाक टोपी नी धर्मा तलक टलके को झरके तामा, क्या क्या बोलता है सब, ये इसमें आप लोग पूजा वगैरह कर सकते हो, लाइक पानी वगैरह रख सकते हो, खाना भी खाते हैं ना तामा में, तो तामा के थाल में खाना काफ़ी अच्छा लगता है। कहाँ छ लस्सी? ओए लस्सी लस्सी, हाँ ये जगह पे ना फेमस लस्सी मिलता है, वैसे भी गर्मी ज़्यादा है तो सोचा कि लस्सी खा लेते। लस्सी खा लेते, बाइक को कुछ इस तरीके का लगा दिया है, पर आवर का 25 रुपीस नेपाली पैसा। सच बताओ तो गाइस इतना ज्यादा भूख लग रहा है ना कि सुबह से लेकर कुछ भी नहीं खाया। पूजा कहीं अच्छे से होटल में बैठ के कुछ खाते हैं ना, इधर खाना किधर अच्छा मिलता है? अरे क्या हुआ इतना लाउडली बोलो, वहाँ पे तो नहीं मिलता होगा शायद, यहाँ पे लस्सी पी लो, लस्सी से पेट भरेगा तो खाएंगे ना बाद में। ये तो भाई मैं नेपाल आया हूँ, कम से कम अच्छे से बात करो, जब भी झगड़ता एक मापा मारूंगा ना। क्या नेपाल है? अच्छा हम अभी नेपाल में आए ना तो धमका रही है, देखो ये चलो चलो प्यार से लेके हाँ। ओके देखो ना इसे हाथ नहीं छोड़ रहा गाइस मेरा, ये हेलो ब्रो। अभी इंद्र चौक के यहाँ आए हैं लस्सी खाने के लिए, आई थिंक यहाँ पे काफी फेमस है ये लस्सी, तो चलिए ट्राई करते हैं। क्या हुआ? ओ भाई टेस्ट अलग है, के रे जब तिमीलाई सबै थाहा छ त लैजाउ न त, हामीलाई भोक लागेर त खानी खाना भनेको बहुत ही ज्यादा पब्लिक है गाइस, आप खुद ही देखो ना यहाँ पे, बाप रे बाप, आई डोंट नो कहाँ से कहाँ आ रहे, कौन कहाँ जा रहे, बस हम तो पूजा को लेके इंडिया जा रहे, इतना ही पता है। पूजा अगर पूजा मेरे साथ इंडिया नहीं गया ना उसके बहन को लेके जाऊंगा, हाँ चलोगी ना बहन? अरे तुम मेरी सब स्कीमें बता दे। अभी हम यहाँ पे न्यू रोड से निकल रहे हैं इधर, अब जाएंगे सीधा लहाना पे कीर्तिपुर, मुझे भी रास्ता पता नहीं है ना, तो हम कितने देर से इतना चक्कर मार रहे हैं कि दिमाग ही खराब हो रहा है। इसको कुछ पता नहीं है, हम ही गाइड कर रहे हैं रे। तो गाइस ये है मिलिट्री हॉस्पिटल, देखो देखो कितना अच्छा फूल है यहाँ पे, अच्छे से चलो बाबू। अभी कुछ इस तरीके का जगह पे आ पहुंचे हैं, और ये आगे जो टावर दिख रहा है ना गाइस, इसका नाम है धारहरा, जो कि 2015 में ना नेपाल में बहुत ही खतरनाक अर्थक्वेक आया था, भूकंप, उसके वजह से ना पूरा तबाही हो गया था, और ये जो धारहरा टावर है ना गाइस ये भी पूरा खत्म हो गया था, फिर इसको ना रिबिल्ड किया है ना, इसको रिस्टोर किया। रियली हैट्स ऑफ टू नेपाल पीपल यार, पता है जब 2015 में भूकंप आया था ना पूरा का पूरा नेपाल खत्म हो चुका था, पर फिर भी देखो यहाँ के लोग इतने स्ट्रांग है,
इतने अच्छी तरीके से अभी का रोड देख सकते हैं, बिल्डिंग मतलब लगता ही नहीं है कि पहले कभी भूकंप आया था। बट आप देखो ना भाई वीडियो वगैरह उस टाइम का भाई, मतलब जमीनें टूट रही थी, बिल्डिंगें टूट रहा था, आदमी मर रहा था, कितने हजारों हजारों। 2015 में जितने भी नेपाल में अर्थक्वेक में डेथ हुआ उन सभी आदमी को आत्मा को शांति मिले। और मैं भगवान से यही दुआ करूंगा कि नेपाल में आप फ्यूचर में कभी भी ये भूकंप वगैरह ना आए। भैया बहुत ही कन्फ्यूजन है, तिमी चाहिँ किन हिकाएको के? आइया के भयो यार यो मान्छे? अब आउँदैन म कहिले पछाडि फर्केर आदमी लग्छ मुड मुड के देख। यो देखो बाह घोडेको रेस लग गई। थ्याङ्क यू ए आगे सब्सक्राइबर देख सकते जी। लानापुर लाना लाहानापुर कहाँ जाने रे? यताबाट साथीले पर्खेको कि पेट्रोल हाल्नु गएको छ? हजुर ल साइड गर्छु नि त, पुलिस पकड लिए गाइस। हजुर ना नर्मल छ साइलेन्सर। एक्चुली हामी इन्डियाबाट आएको कि, अन्त हाम्रो हामी चाहिँ 10 दिनको लागि आएको थियो, हाम्रोमा भन्चर छ कि, हाम्रो रुममा राखेको छ। हजुर मोबाइलमा हजुर हाम्रो बस्ने ठाउँ ओरिजिनल मेरो रुममै छ। हामी ट्रेभलमा हिँडेको हो के सर? ओरिजिनल त हामी रुममै राख्छ नि, किनकि अब हराउनु पनि सक्छ बाटोमा भनेर। हामी फोटोमा फोनमा छ नि, फोनको पनि चल्छ नि ड्राइभिङ लाइसेन्स। म इन्डियाको हो, यहाँको मेरो भन्सर छ यहाँको। जाउँ बेकार में रोक दिया यार, इतने सारी गाड़ी जा रहे किसी को नहीं रोक रहा, हमें ही रोक लिया ठीक है। और उसको आंखों के आगे दिखाई दे रहा है मेरा इंडिया का नंबर है, इंडिया का गाड़ी है, पूछ रहा है कि नेपाल का आईडी नहीं है तुम्हारा। मैंने बताया बंसर है पर वो हमारे रूम पे है, इतना टाइम बेकार में वेस्ट कर दिया। पर अच्छे से बात किए, थोड़ा बहुत पूछताछ किया, उसके बाद छोड़ दिया। ये जो रास्ता अभी चल रहे है ये इस जगह को कहते हैं बल्फू। भाई सच में बता दूं गाइस, जो भी अगर बाहर से बाइक में आते हो ना नेपाल के ये रास्ते में थोड़ा केयरफुली चलाना यार, मतलब ट्रैफिक ना बहुत ही कंफ्यूजन है, कौन कहां से आता है कौन कहां से जा रहा है कोई पता ही नहीं चलता। हम लोग थमेल से 15 किलोमीटर दूर ये कृतिपुर में आए है गाइस खाना खाने के लिए। पूजा आई लव यू। ये दिमाग का दही हो रहा है तुम्हारा? ऐसे ही। इतना अच्छा लड़का कभी तुम्हें मिलेगा? फ्यूचर में सोचेंगे हम।